दोस्तों Realme X2 एक गेम चेंजर स्मार्टफोन था। इसके शानदार फीचर्स और एग्रेसिव प्राइस की वजह से ये फोन लॉन्चिंग के काफी टाइम बाद भी चर्चाओं में बना रहा। Realme अब इस सीरीज के अगले स्मार्टफोन Realme X3 Super Zoom को लॉन्च करने वाली है। Redmi के 30 Pro Zoom Edition को Redmi लॉन्च कर चुकी है, तो इसी फोन को टक्कर देने के लिए Realme की ओर से लॉन्च किया जाने वाला है Realme X3 Super Zoom। ये फोन Realme X2 का सक्सेसर होगा। इस फोन को मॉडल नंबर RMX2086 के साथ थाईलैंड की सर्टिफिकेशन साइट NBTC पर लिस्ट किया गया है। NBTC के अलावा इस फोन को इंडिया की BIS और रूस की ECC सर्टिफिकेशन साइट के साथ ही गीक बेंच पर भी लिस्ट किया गया है। गीक बेंच पर इस फोन का स्कोर सिंगल कोर टेस्ट में 788 और मल्टी कोर टेस्ट में 2624 है। Realme X3 Super Zoom के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फोन कैमरा सेंट्रिक होने वाला है, जिसमें बेहतर जूम सपोर्ट दिया जाएगा। तो Realme अपनी X सीरीज के 3 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसमें Realme X3 और Realme X Pro के साथ Realme X3 Super Zoom को भी लॉन्च किया जाएगा। इस फोन के बारे में अब तक जो रिपोर्ट आई है, उसमें बताया जा रहा है कि ये फोन Realme X3 का हाई एंड वेरिएंट होगा। तो Realme का ये फोन काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, जो कि काफी दमदार स्पेसिफिकेशन से लैस होगा। Realme X3 Pro Super Zoom को 12GB RAM मेमोरी पर लॉन्च किया जाएगा। साथ ही इस फोन में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 दिया जाएगा। Realme X3 Super Zoom के मल्टी सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किए जाने से इस फोन की काफी कुछ जानकारी सामने आ चुकी है। तो Realme के इस धमाकेदार फोन की स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। जानते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ 6.59 इंच का सुपर एमोलेड पैनल दिया जाएगा, जिसका एस्पेक्ट रेशियो होगा 20:9 का। डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा लगभग 91%, यानी कि बेजल्स के साथ चिन का साइज भी काफी कम होगा। और लेटेस्ट जनरेशन के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ही फोन को सिक्योर करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी इस फोन में दिया जाएगा। इस फोन का मेन हाइलाइटिंग फीचर होगा इस फोन का कैमरा। तो ये फोन आएगा क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया जाएगा। इसमें जो सेंसर यूज किया जाएगा वो होगा सैमसंग का आइसोसेल ब्राइट HMX सेंसर। इसके साथ ही 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जा सकता है। कैमरा में 30x या फिर इससे भी ज्यादा जूम का सपोर्ट दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फोन में दिया जाएगा। कैमरा में सुपर नाइट स्कैप पोर्ट्रेट मोड दिया जाएगा। इस फीचर से पोर्ट्रेट शॉट में नाइट स्कैप मोड यूज कर पाएंगे। इमेज स्टेबिलाईजेशन के लिए EIS और OIS का सपोर्ट भी दिया जाएगा। इस फोन में दिया जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर। ये चिपसेट 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसकी क्लॉक स्पीड है 2.96 गीगाहर्ट्ज़ की। ग्राफिक्स के लिए इसमें एड्रिनो 640 GPU दिया गया है। इस फोन में दी जाएगी 4500 mAh की पावरफुल बैटरी, जिसको 50 वाट की सुपर वोक फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही इस फोन में USB Type-C का सपोर्ट भी दिया जाएगा। इस फोन में LPDDR4X RAM के साथ ही UFS 3.0 स्टोरेज दिया जाएगा। इस फोन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज और 12GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। और ये फोन रन करेगा Realme UI बेस्ड एंड्रॉइड 10 पर। बात करते हैं इस फोन के प्राइस और लॉन्च के बारे में, तो लगभग 20 से 25 हजार रुपए के प्राइस में मई के एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है।